शुरू हो जाएगा। मदीना देखा दूध, मदीना नहीं देखा दूध दही करियाना, उसने सुने है नाम नाम पंजाब और हरियाणा के, उसने नाम नाम सुने पंजाब हरियाणा के, परंतु उसने उस पंजाब हरियाणा तक कदे टक्कर नहीं करते देखी, परंतु उसने पंजाब हरियाणा तक टक्कर नहीं करते। अरे अपने किसान आंदोलन में किसानों की जीत करानी है, और सारे भाई एक और बात सुन लियो, सारे ग्राम में तो दूध जाना की है, बहुत सी सेवा करो। अपने ये किसान भाई अरे बैठे हैं, अपने ये भाई है, किसी के कुछ लग गए किसी के दूध दे, इतनी सेवा कर दो कि सेवा में पूरे लगन हो जाओ। अरे आप मकसद बनाने खातर को नहीं आ रही है, मैं किसान आंदोलन बढ़ावा देने खातर आ रही हूँ, मैं मकसद बनाने खातर को नहीं आ रही है, मैं किसान आंदोलन बढ़ावा देने खातर आ रही हूँ। अरे किसान आंदोलन अपने जारी रखना, इतना मैं तीन काल, इतना मोदी तीन काल कानून वापिस नहीं दे लेगा, अपने किसान आंदोलन इतना जारी रखना है, इतना मोदी तीन काले कानून वापिस नहीं ले लेगा। और ये जो बैठे हैं सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक पार्टी, ये कोरोना से बिखेरेंगे अपने, ये कोरोना तो अपने कुकर बिखेर देंगे अपने बैठे सके। अगर 5 महीने से अपना 5 साल लग जाओ, जो अगली पीढ़ी शुरू हो जाओ, जो सभी अगली पीढ़ी शुरू हो जाओ, फिर अपने आप आप अपना आप उस मोदी ना फसल अड़पनी अड़पनी सीखी है, कदे फसल बोनी नहीं सीखी, उस मोदी ने फसल अड़पनी अड़पनी सीखी है, कदे फसल बोनी नहीं सीखी, और उसने बस फसल अड़पनी अड़पनी के फसलों कितने सस्ते रेट लगाए हैं, और वो खाद के कट्टा के कितने महंगे रेट कर रहा है, खाद के कट्टा के इतने महंगे रेट कर रहा है। देख लियो थोड़े दिनों में सारे उल्टे ले जाएंगे, देख लिए जो अपनी भाई इतनी इस तरीके एकता बन गई तो सारे उल्टे ले जाएंगे। और 36 बरादरियां का बाजार में इकट्ठा रहना चाहिए, थोड़ा और इकट्ठा कर लिए 36 बरादरियां का बाजार। धन्यवाद। महीने बीत गए हैं, परंतु अब तक मोदी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने तीन कानून काले कानूनों को वापिस नहीं लिया है, और हम तीन काले कानून वापिस देकर ही रहेंगे, परंतु हम तीन काले कानून वापिस देकर ही रहेंगे। हमें अगर तीन काले कानूनों को वापिस देना है तो हमें तरह तरह के प्रयास करने पड़ेंगे और बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम पर जितना जोर है हमें उतना जोर लगा देना है, हमें बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हमें तीन काले कानून मोदी को वापिस देने हैं तो हमें बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेगी, तो हम तीन काले कानूनों को वापिस दे पाएंगे। और जो ये मोदी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक पार्टी है, इसको हम मतलब कि इसको जब हम जीत जाएंगे तो इसको अपने किए पर पछतावा जरूर होगा, इसने अपने किए पर पछतावा जरूर होगा, यह अपने आप को सोचेगा कि मुझे देखो कितना बुरा किया इन लोगों के साथ, वो अपने आप सोचेगा कि मुझे देख लो कितने बुरा किया इन लोगों के साथ। इसलिए ही हमें किसान आंदोलन की जनसंख्या इतनी बढ़ा देनी है, धरनों पर, टोल प्लाजों पर और दिल्ली के बॉर्डरों पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लोग इकट्ठे करने हैं, जिससे हम मोदी तीन काले कानूनों को वापिस ले लेगा। तो हमें मैं यहाँ अपना मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आती, मैं यहाँ अपना मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आती, मैं तो बल्कि यहाँ पर किसान आंदोलन को बढ़ावा और किसान आंदोलन के लोगों को जागरूक करने के लिए आती हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए आती हूँ। और ये किसान आंदोलन हमें इतना मजबूत बना देना है, ये किसान आंदोलन हमें इतना मजबूत बना देना चाहे इसको कोई भी नहीं बिगाड़ सके, चाहे इसको कोई भी नहीं बिगाड़ सके। और हमें ये जो किसान आंदोलन है, ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये हरियाणा के 36 बरादरी और ये उस अन्नदाता का आंदोलन है जो फसल उगाता है, ये उस अन्नदाता का आंदोलन है जो फसल उगाता है। और अब जो मोदी सरकार वो कोरोना के माध्यम से जो सारा हमें किसान आंदोलन इतने लोग बैठे हुए हैं उस सारे आंदोलन को बिखेरने की सोच रही है, तो हमें आंदोलन को बिखेरने नहीं देना है, तो हमें आंदोलन को बिखेरने नहीं देना है। तो वो कहता कि है कि कोरोना से बचने के तरह तरह के उपाय है, गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ, और उसने एक डायलॉग बनाया है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और लोगों पर उसका उपयोग कराता है, परंतु ना तो 2 गज की दूरी रखता और ना ही मास्क लगाता। वो खुद गाड़ियों में जब घूमता है बिना मास्क लगाए, खुद गाड़ियों में घूमता है,
जब वो कोरोना नहीं आता, ये आम जन लोगों के समुदाय को कोरोना होता है। ये राजनीतिक पार्टियों से तरूण पार्टी के बड़े बड़े लोगों को कोरोना क्यों नहीं होता? ये राजनीतिक पार्टियों से तरूण पार्टी के लोगों को कोरोना क्यों नहीं होता? अब स्कूल बंद किए उसने, अब कॉलेज बंद किए, लाइब्रेरी बंद की और प्राइवेट अध्यापकों की तनख्वाह वेतन काट लिया है। तब जब ये स्कूल खुल जाते तो बच्चे अपने आप से पढ़ते हैं, ना ही किसी दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, तब वो कोरोना आ जाती है। और जब ये मोदी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है और हाथ से हाथ मिलाता है, तो ये कोरोना कहाँ जाती है? तो ये कोरोना कहाँ चली जाती है? अगर इतनी बड़ी ये कोरोना महामारी होती तो इतने लोग जितने आज इस टोल प्लाजा नरवाना बाजार टोल प्लाजा पर बैठे हैं, उतने लोग भी इस महामारी से बचे। तो ये महामारी है ही नहीं, हमें इस महामारी से डरना नहीं है, बल्कि और भी संख्या पे टोल प्लाजा पर इकट्ठे होकर मोदी को मतलब कि हमें हमारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे कि मुझे माफ कर दो। हमें यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठा हो जाना है ताकि कोई गिर भी न सके, इतनी संख्या में इकट्ठा हो जाना कि इतनी संख्या अनगिनत संख्या में इकट्ठा हो जाना है। और धरने पर इतने लोग, जब मोदी जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी हमारे किसान आंदोलन में फूट डालने की सोच रही है, किसान आंदोलन को बिखेरने की सोच रही है, पर हम कदम से कदम मिलाकर, अंस से अंस मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर बैठे रहना है। हमें यहाँ पर बैठे रहना है। जब मोदी सरकार नहीं बनी थी, जब उसकी मतलब वो सरकार सत्ता में नहीं आई थी, तो सरकार बनने से पहले बोल रही थी कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार मेरी पार्टी सत्ता में आने दो, किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। अब ये बता दो कि टोल प्लाजा नरवाना बद्दोवाल टोल प्लाजा पर इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी के कर्जे माफ किए हो तो एक बार मुझे ये बता दो, किस किस के कर्जे माफ किए मोदी सरकार ने? जब मोदी सरकार पहले बार हमें प्रधानमंत्री बनाया था, हमें बहुत बड़ी गलती की थी। जब मोदी सरकार हमें पहली बार प्रधानमंत्री बनाया था तो बहुत बड़ी गलती की थी। जब उसने दूसरी बार तीन काले कानून चलाए तो हमें देखा कि ये आदमी बहुत लालची आदमी है और ये बहुत घमंडी आदमी है। तो अब ये तो होता नहीं कि चुनाव सिर्फ दो बार होते हैं, चुनाव होते ही रहते हैं। तो हमें अब तीसरी बार जब चुनाव हो गए तो उसमें हमें मोदी की हार करानी और किसानों की जीत करानी है। और वो नारे उस मोदी की जो उस कुर्सी पर बैठा है उस तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए।